साइकिल पे जीत नहीं जाएगा हमारा। साइकिल पे भी हमने दिया, बहुत दिन दिया, 200 साल दिया हमने साइकिल पे। हमारा कोई क्यादत, कोई कैंडिडेट मजबूत नहीं खड़ा हुआ, ना उन्होंने बनाया। अगर वो अखिलेश साहब चाहते तो हमारा मजबूत कैंडिडेट बना सकते थे, एक डिप्टी सीएम बना सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। क्या है माहौल है यहाँ? अल्लाह के रहम करम से माहौल तो हमारी पार्टी का है और बहुत अच्छा माहौल बन रहा है। पूरा समझ करैली और पूरा हटिया बहादुरगंज, पूरा मुट्ठीगंज हमारे साथ है और हमको बहुत मजबूती से काम करना है, कर रहे हैं। वोट हमारा सब पतंग पे जाएगा वशी साहब को, फरहान खान। हमारे सदर साहब ने उनसे हाथ मिलाने की बात की कि भाई आप हमारे साथ संगठन करिए और एक डिप्टी सीएम बनाइए मुसलमान। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। राजभर साहब आए, राजभर साहब ने भी साथ छोड़ करके चले गए। वो उन्होंने भी धोखा दिया। हमारा वोट बेकार कहीं नहीं जाएगा। मुस्लिम वोट जितने भी जिस तरफ गया है वो उसकी सरकार बन गई है और इंशाल्लाह ताला एमआईएम का भी मुस्लिम वोट बनेगा और मुसलमान का वोट मिलेगा, एमआईएम सरकार बनेगी। आप वोट कटवा का काम कर रहे हैं जी? वोट कटवा का काम तो केजरीवाल भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है। क्या उनकी सरकार बन जाएगी? क्या उनकी सरकार बन जाएगी? मुसलमान कह रहे हैं बीजेपी की भी टीम है ये, वो कह रहे हैं, कहने दीजिए। जो एक पार्टी का काम है लंचन उठाना, उनके ऊपर लंचन मारना, वो तो उनका काम है। मैं ये चीज कह रहा हूँ कि अखिलेश सरकार अगर मान लीजिए पूरी मजबूती से नहीं आई, भाजपा को समर्थन दे देगी तो मैं क्या करूँगा? मुसलमान हमारा कहाँ जाए? लेकिन ओवैसी साहब बीजेपी को जिताने आए हैं भाई। रईस शुक्ला साहब ये भी भाजपा के थे, वह भाजपा छोड़ के आ गए क्या ने मेरे सपा में। अगर मानी जीतने के बाद फिर वह भाजपा में चले गए तो हमारा और तो खराब हो गया ना, हम तो चूरन बन गए। मुसलमानों का हित कौन सी पार्टी में ज्यादा है? मुसलमानों का हित तो मैं समझ रहा हूँ एमआईएम में ज्यादा है, दक्षिण में। कहते हैं वो जातिवादी राजनीति करते हैं। नहीं नहीं, जातिवादी राज करते तो अपने साहब से हाथ मिलाने नहीं जाते। राजभर से हाथ नहीं मिलाते, प्रेमचंद शुक्ला से हाथ नहीं मिलाते, जातिवादी ये सब कह रहे धर्म की बात करते हैं। नहीं नहीं, ये धर्म की बात तो योगी साहब भी करते हैं, लोगों को भड़काते हैं योगी साहब भी करते हैं। अच्छा, योगी साहब भी करते। कौन ऐसा नेता है? वो तो एक जो मंत्री होता है देश का, वो एक जनता का समझ लीजिए पिता होता है, जनता के समान भड़काने की बात करते हैं जी। योगी साहब क्या कर करते हैं भड़का? योगी साहब क्या बताइए, अब आप जो है साफ साफ ये कह रहे हैं हिजाब पे मामला चलेगा, हिजाब पे क्या? अच्छा, 1992 में शत्रुघ्न सिन्हा साहब घंटाघर चौराहे पे आए थे, उन्होंने इस बयान को दिया था जब वो कांग्रेस में नहीं थे, भाजपा में। उन्होंने इस बयान को दिया था कि मुसलमान औरतों का अगर निकलना है तो माथे में बिंदिया लगा के चलेंगी, निकाब उतार के चलेंगी। वही तानाशाह सरकार ये है। इनको कहा जा रहा है साहब क्या आप हिजाब निकाल दिए? आज हमारे हिजाब के ऊपर बात हो रही है, कल हमारे ये कहा जाएगा कि आप निकाब उतार दीजिए, माथे में बिंदिया लगा के चलिए, मांग में सिंदूर बना भरे साहब। और कैसे कर जाएगा? हर इंसान को अपने अपने, हर पार्टी को अपने अपने हित की बात करने की जरूरत। लेकिन अखिलेश भी जिन्ना की बात करते हैं। बिल्कुल नहीं, जिन्ना कौन है? मैं नहीं जानता जिन्ना को भाई, मैं गांधी जी को जानता हूँ, जिन्ना को मैं नहीं जानता, गांधी जी को जानता हूँ। और रहा सवाल मेरा हिंदुस्तान, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुआ, यही दफन हो जाऊँगा। ये हमारे घर की लड़ाई है, इसको मैं सुलझाऊंगा, ये सुलझेगी, प्यार से सुलझेगी, नफरत से सुलझेगी। लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब भाषण अच्छा देते हैं लेकिन हम वोट देंगे सपा को ही। भाई वो पढ़े लिखे बालिस्टर हैं वो, उनको तो लोग ये भी कहते हैं कि भाजपा की भी टीम है, लेकिन उनके ऊपर भाजपा उंगली नहीं रख सकती क्योंकि उनके पास हर बात का जवाब है, हर बात के जवाब रखते हैं। पाँच पाँच छः छः एंकर उनके साथ सवाल करते हैं, हर बार अच्छे से जवाब देते हैं। ऐसी बात नहीं, वोट तो नहीं दे रहे लोग उनको। नहीं, क्यों नहीं दे रहे? वोट दे क्यों नहीं रहे? बहुत लोग दे रहे हैं वोट। अच्छा, हमारे हिंदू भाई भी दे रहे हैं, हमारे क्या नाम प्रेमचंद शुक्ला के साथ हमारा है, उनके भी लोग साथ वोट दे रहे हैं, हिंदू भाई का भी हमारे वोट। सरकार तो नहीं बना पाएंगे वो भाई? सरकार नहीं बना पाएंगे, अपनी हमारी क्यादत तो मजबूत होगी, हमको तो भी अपनी क्यादत। ये बताइए आपके इतने बड़े नेता आजम खान, अरे क्या दिया आजम खान को? क्या बकरी चोरी में जेल के पीछे सड़ रहे हैं आजम खान?
क्या दिया? जो कि रीढ़ की हड्डी आजम खां सपा की है, आज आजम खां ही ने सपा को उठा करके इस गुरु पर पहुंचाया। नहीं कौन जानता था सपा को? तो बड़ी पार्टी हुई ना सपा, बड़ी पार्टी तो भाजपा भी हो गई है। मुसलमानों का सपा में नुकसान क्या? मुसलमान नुकसान यही है कि वो जीतने के बाद अगर इनकी 200-250 सीट भी नहीं आ पाई, 100 सीट आएगी तो ये सीधा जो है भाजपा से संगठन कर लेंगे। अच्छा। संगठन करके ये सरकार बनाएंगे। पर वो तो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं वो कहने नहीं, मैं भी तो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा हूँ, सपा के खिलाफ लड़ रहा हूँ, मैं भी तो लड़ रहा हूँ ना सर। आप तो बीजेपी के बीटी बताया जाता ना आपको तो। अरे सर बताने दीजिए, बताने से क्या होता है? मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। मुस्लिम वोट काट लेंगे बीजेपी जीत जाएगी? नहीं 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 ऐसा नहीं है। मुस्लिम वोट सब मिला है, सभी को मिला है। क्या मुस्लिम क्या जिम्मेदार? मुस्लिम सब उबसी साहब और वो पहचान है, वो समझ भी रहे हैं बहुत अच्छी तरह से कि हमारे वो आवाज़ को उठाने वाला कौन है, हमारी हुकूक की आवाज़ को उठाने वाला कौन है, हमारे हक में बोलने वाला कौन है, ये अच्छी तरह जान रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अखिलेश यादव, आप अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं? ठीक है, आपने बात की अखिलेश यादव की, मैंने माना। आपने कहा अखिलेश की बात, अखिलेश साहब जब हमारे सदर साहब ने मीटिंग रखी कि मैं जा रहा हूँ, वैसी साहब ने मैं जा रहा हूँ अखिलेश से आजम खान से मिलने के लिए, बात करने के लिए, उन्होंने क्या कहा? उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दिया उन्होंने, आजम खान को से मिलने नहीं दिया। इतने दिन कहाँ थे आप? इतने दिन कहाँ थे बताइए आप हमको? अखिलेश साहब कहाँ थे? क्यों एक भी आवाज़ नहीं उठाई? एक भी बात नहीं कहा आपने अतीक के बारे में? एक भी बात नहीं कहा जो बेगुनाह लोगों को घर गिरा दिया गया? हमारे प्रोफेसर साहब का घर गिरा दिया गया, बेगुनाह क्या है ये? ताना शासनकार है हमारे, हमको कहाँ भेजा जा रहा है? आज हमारी बेटियों को पढ़ने के लिए नहीं दिया जा रहा है, हिजाब लगा करके स्कूल के अंदर दाखिला हो, ये क्या है? इसके पहले कभी नहीं हुआ, 10 साल पहले कभी नहीं हुआ, किसी ने कोई पार्टी सरकार ना बने तो किसकी बननी चाहिए सरकार? भाई हमारी सरकार नहीं बनी, कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। अगर नहीं बननी कांग्रेस की बननी चाहिए। कांग्रेस का जनाधार तो नहीं है? कांग्रेस का जनाधार नहीं है, केंद्र जो क्या नाम है, सेंटर में तो बनेगी, सेंटर में बनेगी नहीं, नहीं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में देश कांग्रेस का जनाधार सर नहीं है तो क्या हुआ? भाजपा का भी तो जनाधार नहीं था, भाजपा आ जाएगी नहीं आई, कांग्रेस भी इसी तरह आ जाएगी किसी दिन। और कांग्रेस से पहले आएगी MIM, कांग्रेस से पहले MIM आएगी।